रविवार को मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में 56 भोग महा उत्सव से पवित्र सावन माह का समापन हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में भगवान को 56 क्विंटल के 56 भोग का नैवेद्य 1001 थाली में जमा कर लगाया। 56 भोग महा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना हवन का दौर चलता रहा। दोपहर बाद भगवान को 56 भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन प्राप्त किए। यहां पहुंचे भक्तों ने भी 56 भोग महा उत्सव की प्रशंसा की। आज भगवान पशुपतिनाथ को 56 भोग का नैवेद्य लगाया गया है। किस तरह का नैवेद्य है और कितने कुंटल ये नैवेद्य लगता है, कितनी तरह की मिठाइयाँ? भगवान महादेव जी का 56 भोग का जो आज जो महोत्सव दिख रहा है आप लोगों को, इसमें 56 तरीके की मिठाई है। काजू कतली है, लड्डू है, भांग के पेड़े हैं और खीर है। वैसा 56 प्रकार की मिठाई होती है और लगभग 56 कुंटल का हम ये वजन होता है। और भगवान का जो महादेव जी को जो नैवेद्य लगता है और 56 भोग जो होता है, इसमें सभी प्रातकर आज के मंडल द्वारा ये 56 भोग का आयोजन किया जाता है। इसमें अभी 56 भोग का आयोजन हो रहा है और शाम को मतलब भजन संध्या भी की जाती है, जिसमें मंदसौर के समस्त लोग, काफ़ी लोग श्रद्धा लोग आते हैं जो यहाँ पे 56 भोग का आनंद लेते हैं और ये झूमते और आनंद लेते पूरे सावन का। सर महेंद्र उगले, महाराष्ट्र से, मलकापुर तहसील डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा से। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में आए 56 भोग का दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे, कब से आ रहे हैं? सर हम तो 3 साल से नीमच में रह रहे हैं, लेकिन पशुपतिनाथ के जो 56 भोग के दर्शन है ये पहली बार किए हैं, प्राप्त हुए, बहुत अच्छा लगा। और ये सावन महीने का लास्ट अपना समापन दिवस है और 56 भोग का आनंद लेने को मिला, बहुत अच्छा हमारा सहयोग ये रहा कि हम दर्शन करने आ गए और अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से 56 भोग का हमको आनंद मिला। क्या लगता है, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देखने को मिली है, कुछ अलग तरह के नैवेद्य देखने को मिले हैं जो अक्सर बाज़ार में देखने को मिले हैं, किस तरह का अनुभूति हुई है? जो हम अक्सर जितने बार हम बाहर मिठाइयों के दुकान पे जाते हैं, अक्सर कई तरह की मिठाई देखते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पे भगवान जी के दरबार में आके थोड़ा सा पशुपतिनाथ जी के यहाँ अच्छा लगा और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरीका का भोग लगा और अलग अलग तरीके का सब देखने को मिठाइयाँ मिली और अच्छा सजावट अच्छी तरह से हमारा ये मिला, इसी वजह से बहुत अच्छा आनंद आया। आपका नाम? महेंद्र उगले, मलकापुर। 56 भोग का दर्शन करने आप आए हैं, किस तरीके का लगा है, क्या बताएं? हम यहाँ पर आए हैं, आज ही आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ऐसा दर्शन और कहीं इंडिया में नहीं होता है, सिर्फ पशुपतिनाथ के मंदिर में ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और सिर्फ साल में एक ही बार यहाँ पर यह दर्शन होता है, सावन के जो आखिरी संडे होता है, मतलब सावन के जो बाद वाला संडे, उसी पर यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है और काफ़ी दिनों से ये सारी तैयारियाँ यहाँ पर चलती है और ये दर्शन हमें बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति देते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम ये देवास से आए हैं, इस दर्शन के लिए ही आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ से दर्शन कर जाएंगे और यहाँ का जो प्रसाद है वो हम सभी लोगों को देंगे, जिसे खाकर हमें बहुत ही शांति की अनुभूति। हम, मेरा नाम प्रियंका जोशी है और ये मेरे पतिदेव हैं अजय जोशी, हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं सिर्फ सावन में।